नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। 100 करोड़ के खनन घोटाले में सपा मुखिया अखिलेश यादव से सीबीआई करेगी पूछताछ। कल दिल्ली मुख्यालय में बतौर गवाह तलब किया। घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है बंद। सीबीआई के रडार पर है कई आईएएस अधिकारी। यूपी में साइबर अपराध पर कसेगी नकेल। मुख्यमंत्री योगी ने 57 साइबर क्राइम थानों और 1523 थानों में साइबर सेल की दी सौगात। 3114 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। बाइक सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। वहीं अमेठी में हादसे में 3 लोगों की मौत। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कुछ लोग पैकेज, कुछ एसटीएफ के डर और कुछ सम्मान पाने की चाहत में गए। नियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष को करनी है विधायकों पर कार्रवाई। मैं इनको नहीं करूंगा आजाद। अमेठी में फाइलेरिया की दवा खाने से 28 बच्चे बीमार। बच्चों का फुर्सतगंज सीएचसी में चल रहा इलाज। स्कूल में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बच्चों को खिलाई गई थी दवा। ज्ञानवापी में व्यास तहखाना को लेकर कोर्ट में नई याचिका दायर। तहखाने की छत की मरम्मत के साथ ही उसके ऊपर मुस्लिम समाज को जाने से रोकने की मांग। पुलिस भर्ती पेपर लीक और आरओएआरओ भर्ती प्रक्रिया की जांच को लेकर यूथ कांग्रेस ने योगी सरकार पर बोला हमला। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का किया प्रयास। गोरखपुर में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देने के बाद छात्र ने स्कूल की छत से लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मेरठ में बेहद दिलचस्प मामला आया सामने। 4 साल पहले पुलिस ने जब्त किए थे 28 ऊंट। वापस न करने पर मालिक ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार। कहा सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी पुलिस ने नहीं सुनी। रामपुर में दलित युवक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर को पुलिस ने संभल में रोका। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया नजरबंद। चंद्रशेखर के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। ज्यादा खबरों के लिए लॉगिन करें tvbharat.com।